हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लक्ष्य एकेडमी वर्णन। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? हम सभी हमारी केमिस्ट्री सीरीज का 8वां चैप्टर पढ़ रहे थे, जिस चैप्टर का नाम हमने दिया था धातु, अधातु और उपधातु। और फ्रेंड्स, हमें यह बहुत प्रसन्नता है कि हमने इस चैप्टर को बहुत ही बारीकी से बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ा था और लगभग 10 लेक्चर वीडियो के द्वारा हमारा यह चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी वो चैप्टर ना देखा हो, यानी उस चैप्टर के 10 लेक्चर वीडियोस ना देखे हो, तो कृपया करके पहले आप उसे देखें, इसके बाद आज के लेक्चर वीडियो को आप देखें। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा कि हमारा चैप्टर 8 खत्म हो चुका था, अर्थात अब हम अगले चैप्टर में चलेंगे हमारे। और हमारा अगला चैप्टर किस टॉपिक से था, ये हमने हमारे दूसरे लेक्चर वीडियो में और पहले लेक्चर वीडियो में ही बात की थी, हमारी केमिस्ट्री सीरीज के पहले दूसरे लेक्चर में, कि हम क्रम से किस चैप्टर नंबर में क्या टॉपिक को पढ़ेंगे। तो हमने यह तय किया था कि हम चैप्टर 9 में कार्बनिक रसायनों का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए लिखा हुआ है चैप्टर 9 कार्बनिक रसायन। आज हमारा ये चैप्टर 9 शुरू हो रहा है, नया चैप्टर है, नया अध्याय है, नए टॉपिक है। तो मैं आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर नहीं बने हुए हैं, तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे चैनल में अपलोड होने वाले सारे वीडियोस की लिंक आप तक टाइमली पहुंच जाए। और फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, अभी चेक करेंगे, तो आप देखेंगे कि आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और जो आ चुकी हैं उनके संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। तो आप उन्हें देखें और सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। और इस वीडियो के लिए मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बिना स्किप के देखें वीडियो को, और अंत में लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन। फ्रेंड्स, हमने जब रसायन विज्ञान का इंट्रोडक्शन दूसरा पहला यह लेक्चर देख रहा था, तो हमने देखा था कि रसायन दो प्रकार से होते हैं, मुख्यतः दो भागों में बटे होते हैं आधुनिक समय में, अभी इनकी यही व्यवस्था है। तो दो भाग कौन कौन से हैं? रसायन विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं हैं। पहला भौतिकी रसायन, दूसरा है कार्बनिक रसायन। और तीसरा होता है अकार्बनिक रसायन। तो फ्रेंड्स, ये हमारे केमिस्ट्री सीरीज के शुरू होने के भी टाइम पे हमने देखा था। और फ्रेंड्स, भौतिकी रसायन और अकार्बनिक रसायन, लगभग इनसे संबंधित सारे टॉपिक्स को हम पढ़ चुके हैं, फिर भी यदि कुछ बचे हुए हैं हम चेक करेंगे, और हमें इम्पोर्टेंट लगा या आपको कोई ऐसी टॉपिक लगता हो जो इम्पोर्टेंट है और हमारा ध्यान अब तक न गया हो, तो आप कमेंट करें, हम उस पर अध्ययन करेंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो। और हम ही याद ध्यान देंगे कि इनसे संबंधित कोई टॉपिक छूटने ना पाए। अब बचा हुआ है कार्बनिक रसायन, जो आगे के लेक्चर हमारे इनसे संबंधित होंगे। तो फ्रेंड्स, भौतिकी रसायन में तो हमने देखा था रसायन ही है, तो अभिक्रियाएं होंगी, यौगिक होंगे, तत्व पदार्थ यही होंगे, लेकिन भौतिक रूप से प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों, उनका वर्गीकरण, इन सभी को हमने देखा, अध्ययन किया, और ये भौतिकी रसायन के अंतर्गत आते हैं। कार्बनिक रसायन में ऐसे तत्व या ऐसे पदार्थ,
तत्व तो नहीं, तत्व क्योंकि शुद्ध रूप होता है तो उसमें कार्बन मिश्रित रूप से हो ही नहीं सकता। ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन की कुछ न कुछ मात्रा अवश्य उपस्थित होती है, ऐसे पदार्थों को कार्बनिक रसायन कहते हैं। अतः ऐसा पदार्थ जिसमें कार्बन हो, कार्बनिक रसायन। और अकार्बनिक रसायन वे सभी पदार्थ जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं है, वे सभी अकार्बनिक रसायन कहलाते हैं। सब कुछ ले सकते हैं, बस उसमें कार्बन की उपस्थिति नहीं है तो वह पदार्थ अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत आता है। यह हमने देखा था। तो फ्रेंड्स, ये शाखा को हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बनिक रसायन, अर्थात कार्बन से बने हुए पदार्थ, कार्बन की मिश्रित यौगिक, इन सभी को हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, कार्बनिक रसायनों में या रसायनों में या पदार्थों में, रसायन विज्ञान की भाषा में हम रसायन ही कहते हैं पदार्थ को, तो उनका कुछ इतिहास देखते हैं कि इनके वर्गीकरण का इतिहास क्या रहा है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग रसायनज्ञों ने समय समय पर अपने अनुसार रसायनों का वर्गीकरण किया है। तो ये कुछ हम प्रमुख लोगों का अध्ययन देखेंगे कि उन्होंने रसायन के वर्गीकरण में क्या कहा और कौन कौन से प्रकार दिए। तो पहले कार्बनिक रसायन या रसायनों के वर्गीकरण का इतिहास हम देख लेते हैं। इतिहास सबसे पहले यहाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आवर्त सारणी में तत्वों को रखा ही गया है, उसमें से कुछ धातु, अधातु और उपधातु थे, ये वर्गीकरण हमने देखा था। आज में हम रसायनों के वर्गीकरण में देखेंगे कि शुरुआत से इनका वर्गीकरण किस किस प्रकार से हुआ था। और कार्बनिक रसायन में फ्रेंड्स, हमने परिभाषा देखी ही, इसमें मुख्यतः हम कार्बन और हाइड्रोजन, इनसे बने पदार्थों व यौगिकों का अध्ययन किया जाता है या इसके अंतर्गत आते हैं। तो कार्बनिक रसायन, पहली परिभाषा, ऐसे पदार्थ या ऐसे रसायन जिनमें कार्बन की उपस्थिति है कार्बनिक रसायन कहलाते हैं। दूसरी, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत विभिन्न ऐसे पदार्थों जिनमें कार्बन या हाइड्रोजन उपस्थित है अथवा कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने हुए हैं, उनके भौतिक गुण, रासायनिक संरचना, रासायनिक संगठन इत्यादि सभी भागों को, सभी घटक क्षेत्रों को अध्ययन किया जाता है। यही क्षेत्र या यही भाग कार्बनिक रसायन कहलाता है। तो इतिहास देखते हैं। सबसे पहले 1675 ईस्वी, 1675 ईस्वी में लैमर नाम के एक रसायनज्ञ थे। लैमर, इन्होंने रसायनों को उनके स्रोतों के आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास किया। इन्होंने जो कृत्रिम रूप से रसायन प्राप्त किए गए हैं या बनाए गए हैं प्रयोगशालाओं या विभिन्न अभिक्रियाओं द्वारा, उन्हें नहीं बल्कि उन पदार्थों या तत्वों जो कि प्रकृति में प्राकृतिक रूप से उपस्थित हुए हैं या मिले हैं या प्राप्त हुए हैं, उनके वर्गीकरण के लिए इन्होंने बताया था। और इन्होंने अपना वर्गीकरण किस आधार पर दिया? उनकी प्राप्ति स्रोतों के आधार पर। तो प्राकृतिक तत्व फ्रेंड्स, या तो खनिज रूप में प्राप्त होंगे, खनिज अथवा अयस्क के रूप में प्राप्त होंगे, या वनस्पति अर्थात पेड़ पौधों से प्राप्त होंगे, या तो जीव जंतुओं से अर्थात जीवों से प्राप्त होंगे। जो भी प्राकृतिक तत्व हैं वो प्रकृति में या तो खनिज या अयस्क के रूप में प्राप्त होंगे, या वनस्पतिक रूप से प्राप्त होंगे अर्थात पेड़ पौधों से सीधे या जंतुओं से। तो लैमर ने सन 1675 में रसायनों के वर्गीकरण के लिए ये तीन मुख्य भाग बताए।
उन्होंने रसायनों को तीन भागों में बांटा, खनिज, वनस्पतिक और जीव जंतु। तो ये 1675 ईस्वी में हुआ था। ये लैमर जी का नाम हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और यह 1675 का यह वर्गीकरण भी। आगे देखते हैं 1784 ईस्वी। इतिहास में भी हम फ्रेंड्स उसी को देखेंगे, उन्हीं घटकों को या उन्हीं वर्गीकरणों को देखेंगे जहां से प्रश्न बनते हैं और जो ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे, अर्थात महत्वपूर्ण वर्गीकरणों को हम देखेंगे। सन 1784 में एंटोनी लेवासिए ने इसमें किन्होंने अपना वर्गीकरण दिया, एंटोनी लेवासिए। इन्होंने बताया था कि प्रकृति में जितने भी तत्व हैं या जितने पदार्थ हैं जो प्राकृतिक रूप से हैं वो वनस्पतिक रूप से प्राप्त होते हैं और जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। उनमें दो ही घटक सामान्यतः होते हैं, एक तो कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। उन्होंने कहा, अर्थात लेवासिए जी ने कहा कि प्रकृति में वनस्पति और जीव जंतुओं किसी भी स्रोत से प्राप्त रसायन में या पदार्थों में दो तत्व ही उपस्थित होते हैं, या तो कार्बन या तो हाइड्रोजन, अर्थात मुख्य घटक के रूप में, बाकी तो होंगी अन्य में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस, इनको भी उन्होंने कहा। तो ये मुख्य घटक होता है कार्बन और हाइड्रोजन, तथा अन्य घटकों के रूप में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस को भी इन्होंने कहा। तो इन्होंने कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों के रूप में पूरे रसायनों का वर्गीकरण कर दिया, किन्होंने, 1784 ईस्वी में एंटोनी लेवासिए ने। इसके बाद सन 1807 ईस्वी, यहां वर्गीकरण किया वर्जीलियस ने और इन्होंने अपने वर्गीकरण में रसायनों को मुख्य रूप से दो भागों में ही बांटा, पहला कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक, अर्थात वे रसायन जिनमें कार्बन उपस्थित है, दूसरा वे रसायन जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं है। सभी प्राकृतिक रूप से जितने भी पदार्थ हैं या जितने भी तत्व हैं, वर्जीलियस जी ने सिर्फ दो भागों में इन्हें बांट दिया, दो रूपों में इन्हें विभाजित किया, या तो कार्बनिक है या वे अकार्बनिक है। ये 1807 ईस्वी में हुआ। इसके बाद सन 1816 ईस्वी, यहां पर माइकल इंजीन ट्रिबुल, ये रसायनज्ञ थे, ये वैज्ञानिक, इन्होंने कहा, इन्होंने रसायनज्ञों के वर्गीकरण में कहा कि रसायनों को इन्होंने अम्ल, क्षार, वसा इत्यादि के रूप में बस विभाजित किया। और इन्होंने मुख्य काम जो किया इस इतिहास में, इन्होंने किया अम्ल, वसा और क्षारों, इनके प्रयोग से कई प्रकार के साबुनों का निर्माण किया, निर्माण न कहेंगे साबुन बनाए इन्होंने अम्ल, क्षार और वसा की उपयोग से। तो ये माइकल इंजीन ट्रिबुल ने किया, साबुनों को बनाया विभिन्न प्रकार के। और फ्रेंड्स ये साबुनों का बनना ही सबसे पहले, क्योंकि साबुन बनाया गया ये प्राकृतिक रूप से नहीं था, तो ये कृत्रिम पदार्थ हुआ, कृत्रिम कार्बनिक पदार्थ हुआ। कृत्रिम अर्थात मानव निर्मित। तो माइकल इंजीन ट्रिबुल ने अम्लों, वसा और क्षारों के प्रयोग से विभिन्न प्रकार के साबुन बनाए और ये साबुन
प्रकृति सबसे पहले मानव निर्मित या कृत्रिम कार्बनिक पदार्थ था जो कि बनाया गया था। तो और इनकी विशेषता यह थी कि ये प्राकृतिक जीवों से प्राप्त उत्पादों के सहयोग से ही बनाए गए थे। अम्ल हो या वसा हो या क्षार हो, ये सभी प्राकृतिक जीवों से प्राप्त हुए और इनकी सहायता से इन्होंने कृत्रिम कार्बनिक पदार्थ बनाया। क्या? साबुन। तो सबसे पहला कृत्रिम कार्बनिक पदार्थ साबुन के रूप में बनाया गया। किन्होंने बनाया? माइकल इंजन ट्रेबल ने, सन 1816। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने अभी तक जितना भी देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें से कई क्वेश्चन हुए। सबसे पहला कृत्रिम कार्बनिक पदार्थ साबुन किन्होंने बनाया? माइकल इंजन ट्रेबल, सन 1816 ईस्वी में। और किनकी सहायता से बनाया? तो इन्होंने अम्लों, वसा और क्षारों, इन्हीं प्राकृतिक उत्पादों के सहायता से बनाया। तो इस लाइन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने और यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसके बाद 1828 ईस्वी, यहाँ पर फ्रेडरिक वुहलर, ये भी रसायनज्ञ हैं, फ्रेडरिक वुहलर, इन्होंने प्रयोगशाला में अपना कार्य किया। इन्होंने प्रयोगशाला में अकार्बनिक पदार्थों के सहयोग से यूरिया का संश्लेषण किया था। किसका संश्लेषण किया इन्होंने? यूरिया का संश्लेषण किया, अर्थात प्रयोगशाला में प्राप्त किया या बनाया। तो फ्रेंड्स, फ्रेडरिक वुहलर ने सन 1828 ईस्वी में अकार्बनिक पदार्थों से, अर्थात ऐसे पदार्थों से जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं है, उनके अभिक्रियाओं या प्रयोगशाला में विभिन्न अपने तरीके के अभिक्रियाओं के द्वारा इन्होंने यूरिया का संश्लेषण किया, अर्थात यूरिया को बनाया। जो कि यूरिया क्या है? यह भी कृत्रिम पदार्थ ही होगा, कृत्रिम अकार्बनिक पदार्थ। यूरिया कृत्रिम कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ है और किन्होंने बनाया इसे? फ्रेडरिक वुहलर ने, प्रयोगशाला में अकार्बनिक पदार्थों के सहयोग से। और फ्रेंड्स, ये अमोनियम ऑक्सलेट के बाद बना दूसरा कार्बनिक पदार्थ था प्रयोगशाला में। वैसे तो हमने देखा कृत्रिम कार्बनिक पदार्थ प्राकृतिक जीवों से, प्राकृतिक पदार्थों से बनाया था माइकल इंजन ट्रेबल ने, यह सबसे पहला था। लेकिन प्रयोगशाला में कृत्रिम कार्बनिक पदार्थ बनाया गया फ्रेडरिक वुहलर ने, यूरिया को बनाया, और ये दूसरे नंबर पे था। पहले नंबर पे प्रयोगशाला में जो बनाया गया कार्बनिक पदार्थ था वो था अमोनियम ऑक्सलेट। तो फ्रेंड्स, यहाँ कुछ भ्रम जैसा आ रहा है, तो सब हम एक लाइन फिर से देखते हैं। अमोनियम ऑक्सलेट प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कृत्रिम पदार्थ था, पहला कृत्रिम कार्बनिक पदार्थ था। फ्रेडरिक वुहलर द्वारा यूरिया का निर्माण प्रयोगशाला में बनाया गया दूसरा कृत्रिम कार्बनिक पदार्थ था। इतना हुआ क्लियर? और यहां जो माइकल इंजन ट्रेबल द्वारा है, ये प्राकृतिक जीवों से प्राप्त उत्पादों के द्वारा, प्राकृतिक जीवों से प्राप्त उत्पादों के द्वारा बनाया गया सबसे पहला कृत्रिम कार्बनिक पदार्थ है साबुन, जिन्हें किन्होंने बनाया था? माइकल इंजन ट्रेबल ने। कोई एक साबुन नहीं, विभिन्न प्रकार के साबुन बने थे। तो आई होप आपको यहाँ का जो भ्रम है वो क्लियर हो गया होगा और अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक अवश्य कर दें, इससे हमें बहुत सारा प्रोत्साहन प्राप्त होता है। आगे हम देखते हैं, यहाँ क्लियर हो गया कि
यूरिया का संश्लेषण फ्रेडरिक वुहलर ने किया था। आप चाहें तो वीडियो पॉज करें और स्क्रीनशॉट ले लें, या तो यहाँ से अपने नोट्स में अपने अनुसार लिख लें ताकि आप बहुत कम समय में रिवाइज कर सकें। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स, 1856 ईस्वी, में क्या हुआ था फ्रेंड्स? तो विलियम परकिन इन्होंने सबसे पहले ईंधन बनाया था। क्या किया इन्होंने? ईंधन नहीं, रंजन, सॉरी, प्रथम कार्बनिक रंजन, जिसे कुछ क्षेत्रों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो विलियम परकिन ने प्रथम कार्बनिक रंजन का निर्माण किया था सन 1856 ईस्वी में। तो ये रहा फ्रेंड्स कार्बनिक रसायनों के संबंध में कुछ इतिहास, जहां से प्रश्न बनते हैं हमने उन्हें देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा और कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर थोड़ा भी डाउट लगे तो आप वीडियो को पीछे ले जाएं और अपने डाउट को क्लियर कर लें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा। और अब तक अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर है कार्बनिक रसायन, और कार्बनिक रसायन में हम कार्बनिक पदार्थों और कार्बनिक यौगिकों को पढ़ेंगे। तो परिभाषा तो हमने देखा ही, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने या किसी एक के संयोग से बने पदार्थों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं और कार्बनिक रसायन भी कहते हैं, या ऐसे पदार्थ और ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन की मात्रा कुछ हद तक या अधिकतम हद तक भी उपस्थित होती है उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। अब इसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं, कुछ खास तथ्य जो हमें जानना आवश्यक होता है। तो ये यहां हम लिखते हैं, ये कार्बन हाइड्रोजन और कुछ अन्य, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन मुख्य रूप से हैं, कुछ अन्य तत्वों से मिलकर बने रसायनों को कार्बनिक रसायन या यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और फ्रेंड रसायन हम पदार्थ के लिए यूज कर रहे हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, और यौगिक और पदार्थ में क्या अंतर है या रसायन और यौगिक में क्या अंतर है, ये हमने अच्छे से पढ़ा था हमारे पहले दूसरे तीसरे लेक्चर्स में या पहले चैप्टर में। तो आप उसे देख लें अगर आपको यहाँ डाउट हो रहा हो तो। तो ये कार्बनिक रसायन में कार्बन हाइड्रोजन और कुछ अन्य तत्वों से मिलकर बने होते हैं या बनते हैं ये। और फ्रेंड्स तत्व आपस में मिलकर कोई पदार्थ बना रहे हैं या यौगिक बना रहे हैं तो किसी न किसी बंधन के द्वारा जुड़ेंगे, कोई ना कोई बॉन्ड होगा। और ये बंधन या बंध कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, इसके लिए भी हमने हमारे चैनल पर या हमारी सीरीज में वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप उसे चेक कर लें और देख लें। तो इनके बीच जो बंधन बनता है या जिस बॉन्ड के द्वारा ये आपस में जुड़ते हैं, क्योंकि केवल एक तत्व से यौगिक नहीं बन सकते, यौगिक हम उन्हीं को कहते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से बने होते हैं। तो ये जब संयोग होगा तो इनमें कोई ना कोई बंधन होगा, कोई ना कोई बॉन्ड होगा। कार्बनिक रसायनों में अधिकतम कुछ अपवाद स्वरूप होते हैं, लेकिन अधिकतम में
सहसंयोजक बंध होता है। सहसंयोजक बंध द्वारा यौगिक बनते हैं। और फ्रेंड्स, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, आगे भी उपसंयोजी बंध, कई बंधों को हमने हमारे लेक्चर में पढ़ा है। पिछले लेक्चर को आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें और उसे अवश्य देखें, ताकि यहाँ सहसंयोजन बंध का मतलब आप क्लियर अच्छे से कर लें, कोई भी डाउट ना रहे, ताकि समझ में आए कि कार्बनिक रसायन आपस में किस तरह जुड़ते हैं। ये बहुत आवश्यक है, आप अवश्य कर लें। इनमें सहसंयोजक बंध होता है और इनकी एक और विशेषता है कि ये कार्बनिक विलयनों में विलेय होते हैं। विलेय अर्थात घुल सकते हैं। तो ऐसा कोई विलयन हो जो ऐसे पदार्थों का विलयन हो जिसमें कार्बनिक रसायन उपस्थित हो या कार्बन उपस्थित हो, ऐसे विलयनों में ये विलेय होते हैं अर्थात घुल जाते हैं। तो ये विशेषता है कार्बनिक रसायनों की कि कार्बनिक विलयनों में विलेय हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस कार्बनिक विलेय में हम घोल रहे हैं उसमें भी कार्बन उपस्थित है, और जिसको घोल रहे हैं अर्थात कार्बनिक रसायनों को अगर घोल रहे हैं तो उसमें भी कार्बन उपस्थित है, और इसी कारण ये कार्बनिक विलायकों में या विलयनों में घुल जाते हैं। ये खास विशेषता है कार्बनिक यौगिकों या कार्बनिक रसायनों की। इनका उदाहरण देखें फ्रेंड्स, अर्थात कार्बनिक रसायनों का उदाहरण देखें तो मीथेन अर्थात CH4, और हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कार्बन उपस्थित है। क्लोरोफॉर्म CHCl2, यहाँ भी कार्बन उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, तो वहां भी कार्बन उपस्थित है कुछ मात्रा में। और यूरिया, जिसे कार्बनिक पदार्थ अभी हमने ये देखा था कि संश्लेषण हुआ प्रयोगशाला में इत्यादि। तो ये कार्बनिक रसायन या कार्बनिक यौगिकों के बारे में कुछ खास तथ्य थे, और इन सब को जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। इनमें से ही कहां से प्रश्न पूछ दे, और जो कि बहुत सरल होंगे, लेकिन अगर हमने पढ़ा नहीं है तो हमसे बनेंगे नहीं। अब हम कुछ कार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही पढ़ेंगे, ताकि हमारा यह लेक्चर वीडियो बहुत लेंदी ना बने। इसके बाद आगे के लेक्चर में हम कार्बनिक रसायन या कार्बनिक यौगिकों को पढ़ेंगे, उनके गुणधर्मों को जानेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।